एंड गाइस इसके अंदर है ना आपको टच कंट्रोल्स भी उन्होंने प्रोवाइड किया, एंड ये पंछी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमें आउटडोर्स में, उसको उड़ा भी नहीं सकते यार, पंछी है बेचारा। आजकल इतना ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इसमें मतलब पंछियों का जीना मुश्किल हो चुका है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे। एंड गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि अभिजीत यहाँ पे आउटडोर्स में क्या कर रहा है, तो गाइस यहाँ पे बोट के न्यूली लॉन्च ईयरबड्स को हम टेस्ट कर रहे थे, जो है बोट के एयरड्रॉप्स 121 प्रो। एंड गाइस इसके अंदर है ना आपको एक स्पेशल मोड देखने मिलता है, जो है ENX मोड, जिसकी हेल्प से कॉल कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट है ना बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। तो कॉल कॉन्वर्सेशन टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम आउटडोर्स में आए थे। एंड गाइस इसके अंदर है ना आपको अमेजिंग बैटरी लाइफ बीस्ट मोड भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो है गेमिंग के लिए। सो गाइस हर एक एस्पेक्ट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे गाइस इसकी प्राइसिंग भी है ना बहुत ही ज़्यादा बजट में है, जो है सिर्फ और सिर्फ 1299। सो यस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हो ना टेक अनबॉक्सिंग चैनल पे तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम लोग 9 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन यहाँ पे अचीव करने वाले हैं, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले यहाँ पे वो एक्चुअल ईयरबड्स आपको देखने मिलते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास मिंट कैस्केड कलर में ये TWS है। इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ये फील होते हैं, तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में। फिर गाइस नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने ढेर सारा पेपर वर्क प्रोवाइड किया, एंड कुछ एडिशनल कूपन्स भी आपको देखने मिलते हैं एंड स्टिकर्स भी। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो दूसरा कंपार्टमेंट है उसके अंदर आपको देखने मिलते हैं एडिशनल ईयर टिप्स, एंड फाइनली यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं Type-A to Type-C चार्जिंग केबल। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये मिंट कैस्केड कलर में TWS आपको देखने मिलते हैं, बहुत ही अमेजिंग कलर लगता है। एंड यहाँ पे आगे की तरफ है ना उन्होंने बहुत ही बढ़िया 7-segment डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे केस के अंदर कितनी बैटरी है, एंड जब भी आप यहाँ पे TWS को इसके अंदर प्लग इन करोगे यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन देखने मिलते हैं कि दोनों भी TWS यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं। वैसे गाइस बिल्ड आपको कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट की देखने मिलेगी। नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने Type-C पोर्ट एंड एक रीसेट बटन भी प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे जो ईयरबड्स है ना वो कंप्लीटली आपको वैक्यूम टाइप देखने मिलते हैं, जहाँ पे उन्होंने 10mm के ड्राइवर्स इसके अंदर प्रोवाइड किए। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आपको देखने मिलता है, एंड यहाँ पे उन्होंने IWP का फीचर प्रोवाइड किया है, जो है इंस्टेंट वेक एंड पेयर। तो जैसे आप इसे रिमूव करोगे एक छोटा सा ऑडियो आपको आता है, सो बेसिकली पावर ऑन हो जाते हैं एंड डायरेक्टली पेयर हो जाते हैं आपके स्मार्टफोन के साथ। एंड पेयर होते ही आप देख सकते हो यहाँ पे AAC कोडेक सपोर्ट उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है बेटर साउंड क्वालिटी के लिए। सो गाइस इन ऑल इसकी बिल्ड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल के आती है, एंड ड्राइवर्स भी 10mm के आपको देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं फिटिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे ये फिट हो जाते हैं। एंड अगर यहाँ पे आपको कोई भी फिटिंग इशू है ना, तो एडिशनल ईयर टिप्स जो उन्होंने प्रोवाइड किया ना उसे रिप्लेस कीजिए, फिटिंग आपकी एक्यूरेट यहाँ पे बैठ जाएगी। एंड गाइस यहाँ पे अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करो, तो यहाँ पे हमने इंडोर्स में कुछ सॉन्ग सुने, प्लस आउटडोर्स में भी यहाँ पे हमने सॉन्ग सुने। एंड इसके अंदर है ना आपको वैक्यूम टाइप ईयरबड्स देखने मिलते हैं, सो बेसिकली बैकग्राउंड का जो भी नॉइज है ना थोड़े बहुत हद तक यहाँ पे कम हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पे जो बेस वाला पार्ट है ना पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, मिड्स एंड ट्रेबल भी यहाँ पे बढ़िया निकल के आते हैं। ओवरऑल गाइज यहाँ पे मैं बैलेंस साउंड इसमें बोल सकता हूँ। एंड गाइज इसके साथ आपको ENX का भी फीचर देखने मिलता है, जो बेसिकली यहाँ पे कॉल्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। सो यहाँ पे सिंगल TWS के अंदर आपको 2 माइक्स देखने मिलते हैं, सो टोटल उन्होंने दोनों भी TWS में कॉर्ड माइक सेटअप प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे अगर मैं इंडोर्स में कॉल्स की बात करूँ, तो नो डाउट यहाँ पे इंडोर कॉल कॉन्वर्सेशन बहुत ही अमेजिंगली हो रहा था। एंड आउटडोर्स में भी हमने टेस्ट किया, जहाँ पे थोड़ी बहुत विंड ब्लो हो रही थी, एंड वहाँ पे भी जो कॉल कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट है ना बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। एंड गाइस यहाँ पे जो गेमर्स है ना उनको भी यहाँ पे नाराज होने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बीस्ट मोड इसके अंदर प्रोवाइड किया है, जो बेसिकली है लो लेटेंसी गेमिंग मोड। सो यहाँ पे आपको 65 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी देखने मिलती है। एंड यहाँ पे हम कॉल ऑफ ड्यूटी गेम इसकी हेल्प से खेल रहे थे, एंड यहाँ पे जो फुटस्टेप्स है फायरिंग साउंड है बहुत ही एक्यूरेटली हमें सुनाई दे रहे थे विदाउट एनी लैग एंड लेटेंसी। सो गाइस फॉर श्योर आप इन्हें गेमिंग पर्पज के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड वैसे गाइस इसके अंदर है ना आपको टच कंट्रोल्स भी देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे जो राइट ईयरबड है ना उस पर सिंगल टैप करने पे जो म्यूजिक है उसे आप प्ले कर सकते हो या फिर पॉज कर सकते हो। इवन लेफ्ट TWS की हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, राइट TWS पे डबल टैप करते ही आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच हो सकते हो, एंड लेफ्ट TWS पे डबल टैप करते ही प्रीवियस ट्रैक पे। एंड यहाँ पे जो लेफ्ट ईयरबड है उसे बस आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, एंड यहाँ पे डायरेक्टली जो गूगल असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप टच कंट्रोल की हेल्प से यहाँ पे म्यूजिक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। गाइस यहाँ पे उन्होंने IPX4 वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग भी प्रोवाइड की है, सो अगर आप यहाँ पे जिम पर्पज के लिए इन्हें यूज़ कर रहे हो या फिर आउटडोर वॉकिंग जॉगिंग के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर बारिश गिरे तभी यूज़ कर रहे हो, फिर भी यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
वैसे गाइस ईयरबड्स है विद बीच मोड, ENX मोड भी आपको देखने मिलता है, तो बैटरी लाइफ वाला पार्ट है ना बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे निकल के आता है। सो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम इसमें देखने मिलता है ईयरबड्स एंड केस के साथ। वैसे गाइस ईयरबड्स में आपको 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम यहाँ पे देखने मिलेगा। सो गाइस बैटरी लाइफ वाला पार्ट बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। एंड गाइस यहाँ पे उन्होंने ASAP चार्ज की भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर प्रोवाइड किया है। सो प्रैक्टिकली 5 मिनट्स के चार्ज पे आपको 60 मिनट्स का प्लेबैक टाइम देखने मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूं ना बोट एयरडॉप्स 121 प्रो के बारे में, सो ओवरऑल मुझे बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे। वैसे गाइस इसकी प्राइसिंग है सिर्फ और सिर्फ 1299, जिसके साथ आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले भी देखने मिलता है। बीच मोड भी उन्होंने प्रोवाइड किया जो बेसिकली है लो लेटेंसी गेमिंग मोड, एंड यहाँ पे बेस वाला पार्ट साउंड वाला पार्ट भी मुझे अमेजिंग लगा। वैसे गाइज अगर किसी को इसे चेकआउट करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। एंड गाइज बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.